बात से खुशी तो होगी कि अब जिस तरीके से आपने जो भी एजेंडा सेट किया, क्योंकि जो 20 सीटें या 24 सीटें जो आपकी जहां पर कमजोर थी आम आदमी पार्टी, वहां के लिए अलग मैनेजमेंट आपने रखा, क्या आपको लगता है कि इन सबसे बहुत छोटी छोटी जगहों पर मैनेजमेंट सुधार के आम आदमी पार्टी आज इस रास्ते पर है? मुझे लगता है ये जनता का मत है, ये जनता का मत है। जब मनोज तिवारी जी ने बोला कि पैर तोड़ देंगे मुख्यमंत्री जी की, आंख फोड़ देंगे, टांग तोड़ देंगे, तो ये जनता का मत है कि आज कमर टूटेगी घमंड की। ठीक है, चलिए 9-11-1, 9 पर आम आदमी पार्टी की जीत हो गई है, 11 पर बीजेपी की जीत हुई है, 1 पर कांग्रेस पार्टी का भी खाता खुल गया है। आलोक शर्मा भी हमारे साथ है, शहजाद पूनावाला, कुलदीप जी, सभी लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राम किंकर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त बीजेपी दफ्तर से, पंकज जैन आप दफ्तर से, अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुख्यमंत्री आवास से। सबसे पहले पंकज, कुछ हलचल बढ़ी, कुछ संतोष हो रहा है वहां या अभी भी थोड़ा सा सहज सहज के, क्योंकि एक दो बार ऐसा हो चुका है कि आम आदमी पार्टी में बहुत लड्डू वड्डू बट गए, बाद में नतीजे पलट गए, इसीलिए शायद इस बार फूक फूक कर छाछ भी। बिल्कुल, दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई है, धक धक हो रहा है दिल, और यहाँ पे देखिए आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो तेजी से बढ़ने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए भी ऊपर तैयारी कर ली गई है, जो पार्टी दफ्तर की छत है वहां पे। लेकिन स्टार प्रचारक हैं आम आदमी पार्टी के शाहनवाज, वो एक शायरी के साथ हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए सबसे पहले कि धक धक हो रही है जिस तरह से रुझान है? नहीं, कोई धक धक नहीं हो रही है मेरी। अभी हमारे कैंडिडेट से बात हुई है, नरेला के अंदर 5 सीटों पे 5 आगे चल रहे हैं और कई जगह है। बरसों की उधारी का आज केश हो गया, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनाव आयोग ने मैंडेट दे दिया है, अपने रुझानों में बता दिया कि आम आदमी पार्टी को सरकार बन रही है। अच्छा, तो बीजेपी से कोई टक्कर नहीं है, चिंता नहीं है बीजेपी से? कोई चिंता नहीं है, इसलिए कह रहे हैं बरसों की उधारी का आज केश हो गया, MCD में जनता का समझो एश हो गया, दिल्ली को झाड़ू से ही सफाई की थी उम्मीद, दिल्ली को झाड़ू से ही सफाई की थी उम्मीद, बुधवार को उसका भी श्री गणेश हो गया, बुधवार को उसका भी श्री गणेश हो गया। और दूसरी चीज ये भी है कि आपका MCD में भी परचम लहराएगा, आपका MCD में भी परचम लहराएगा, आम आदमी खुद अपनी सरकार बनाएगा, कोई अब रोक न पाएगा। आपने सुना कि ये पूरी लिस्ट लेके पहुंचे हुए हैं अपनी शायरी की, और जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ेंगे इनकी अलग अलग शायरी भी यहाँ पे सुनने के लिए मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे नारे भी लग रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे उत्साह जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि अब रुझान जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। राम किंकर भी हैं, अमित भारद्वाज भी हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी जल्दी से देख लेते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर। राम किंकर, आप जहां पर जरा दिखाइए तस्वीरें, वहां पर किस तरीके की हलचल तेज होती हुई नजर आ रही, क्योंकि अब तो धीरे धीरे नतीजे भी आने शुरू हो गए? हाँ अर्पिता, बिल्कुल, और दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में इस वक्त अभी कुछ देर पहले ही दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता आए और उन्होंने साफ तौर पर केजरीवाल पर हमला बोला और ये कहा कि उन्होंने तो हमारी सीटें 20 के अंदर समेट दी थी, लेकिन हम एक अच्छी फाइट लड़ रहे हैं। लेकिन बातचीत में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अभी ज्यादा कुछ नहीं बोले और ये जरूर कहा कि अभी रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। तो ऐसे में संगठन से जुड़े तमाम लोग यहां पर आए हैं, खासकर RSS का वो टुकड़ा जो कि दिल्ली बीजेपी में बार बार चुनावों के अलग अलग वार्ड में जाता रहा और लगातार पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखा, वो अब धीरे धीरे यहां पर पहुंचना शुरू हो चुका है। अबेल संतोष खुद यहां पर मौजूद हैं और हर स्थिति पर नजर बनाई जा रही है और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जैसे जैसे रुझानों में बीजेपी आगे की तरफ बढ़ रही है, ऐसे में आने वाले वक्त में क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, तो जाहिर तौर पर अब रणनीति भी लगातार चल रही है, साथ ही साथ रुझानों पर नजर भी बना हुआ है। हालांकि अभी तक कोई क्लेम नहीं कर रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि सभी आश्वस्त जरूर हैं कि उन्हीं का मेयर बनेगा और इस बार जो मेयर होगा, चूंकि महिला के लिए आरक्षित है तो मेयर जो होगा वो पहली महिला मेयर होगी, वो भी यूनिफाइड नगर निगम की। अब देखना यह होगा कि क्या 15 सालों का जो स्थिति होती है बीजेपी की, उसमें बहुत ज्यादा अभी आदेश गुप्ता बोलते बोलते रुक गए कि अगर एंटी इनकम्बेंसी होगी तो, यानी उन्हें कहीं भी इस बात का मलाल जरूर रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, और बावजूद इसके जिस तरह के रुझानों में रुझान आ रहे हैं और ट्रेंड आ रहे हैं उससे वो काफी आश्वस्त हैं और उन्हें लग रहा है कि हम बहुत अच्छी लड़ाई लड़े आम आदमी पार्टी
ने बहुत अच्छी फाइट दी और यही वजह है कि इसी बात से राम किंकर बीजेपी इसी बात से थोड़ा संतोष कर रही है कि शर्मनाक हार नहीं हुई है, बल्कि अगर वो सेंचुरी पार कर लेते हैं तो उनके लिए अपने आप में 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद एक संतोषजनक तस्वीर रहेगी बाहर आकर कुछ बोलने के लिए। जल्दी से अमित के पास चलते हैं जो मुख्यमंत्री आवास पर है इस वक्त। अमित, लगता है कि मुख्यमंत्री भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि नतीजे थोड़े और क्लियर हो जाएं ताकि जश्न में जल्दीबाजी ना हो जाए। जी अंजना, निश्चित रूप से इंतजार हो रहा है कि एक बार ट्रेंड क्लियर हो जाए, रुझानों का जो दौर है वो खत्म हो जाए और रिजल्ट कंसोलिडेट हो जाए। लेकिन जो हलचल मुख्यमंत्री के आवास के बाहर हो रही है वो निश्चित रूप से इंडिकेट कर रही है कि आम आदमी पार्टी अभी भी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर पे पहुंच चुके हैं, वो यहीं पे हैं, उनका काफिला आप देखिए बाहर इंतजार कर रहा है। और भगवंत मान जब पहुंचे थे उसके ठीक बाद राघव चड्ढा यहां से निकल गए थे, संभवतः वो संसद की कार्रवाई की वजह से निकले। लंबी मीटिंग चली थी। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया अभी भी अंदर ही हैं, सुबह 8:30 बजे वो पहुंच गए थे और उसके बाद भगवंत मान भी यहां पे आए। तो एक तरह से पूरी तरह से आम आदमी पार्टी तैयार है और कॉन्फिडेंट है कि वो एमसीडी में इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं और यही वजह है कि तीन बड़े नेता इस वक्त यहां 6 फ्लैगस्टाफ रोड पे जो आवास है मुख्यमंत्री का, अरविंद केजरीवाल का, वहां पे तीन बड़े नेता आम आदमी पार्टी के इकट्ठा हैं और संभावनाएं ये हैं कि जब एक बार मतगणना के 3 घंटे बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक जो स्थिति दिख रही है, नतीजे रुझानों से अलग जो अब नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं उनमें आपको बताया कांग्रेस का खाता खुल गया। अब 2 सीटें कांग्रेस को इस समय मिलती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के खाते में 18 और आम आदमी पार्टी के 15 बोलते 19 हो गया है। तो जिस तरीके से देखिए नतीजे आ रहे हैं वो भी सामने हम रख रहे हैं।